आप सब यहाँ पर आए हैं। हमको लगता है कि अब हम लोगों को भी जब से पीसी करना पड़ेगा, आप लोग से बात करना पड़ेगा, तो शायद हमको भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 47वां जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई और कल से जो नए राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ जो नया जीएसटी का रेट आया, हमको कल ही से शाम से ही लगने लगा कि जीएसटी का अब फुल फॉर्म जिसको हम लोग जानते थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब वो शायद नाम ही बदल गया। अब नाम हो गया जीने के लिए सांसों पर टैक्स। मतलब आपको जिंदा रहना है तो आप जो सांस ले रहे हैं उस सांस पे भी आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जिंदगी रहने का आपके पास आप अधिकार खो देंगे। आप एक बन खाइएगा चाय में डुबोकर तो 5% टैक्स लगेगा। जो बच्चे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के संस्कार में है, सरस्वती पूजा के समय बच्चों को हाथेखोरी करवाया जाता है, मतलब चौक से स्लेट पर लिखवाया जाता है, वहीं से उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है। अब उस पर भी 18% आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बड़े बड़े ब्रांड स्टोर्स में जाकर आप यदि हीरा खरीदते हैं जो आजीवन आपके साथ रहता है, उस पर केवल और केवल 1.5% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब रोटी खाने के लिए 5%, और सबसे विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए 1.5%। ये है जीने के लिए सांसों पर टैक्स। क्या विडंबना है कि मेरा पैसा बैंक में, हम भुगतान करेंगे, पारदर्शी पेमेंट करेंगे, हमको चेक लेना पड़ेगा, 18% और देना पड़ेगा। ऐसा कोई जगह छूट नहीं गया जो गरीब डॉर्मेट्री में रहता है, छोटे छोटे लॉज में रहता है, जो बच्चे लॉज में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको भी अब 12% अतिरिक्त देना पड़ेगा। मतलब 1000 रुपये के नीचे का भी यदि आपका रहने का खर्चा है महीना का, 300, 400, 250, उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। ये क्या, किस देश में हम लोग जा रहे हैं? 2019 में 7.5% कॉरपोरेट टैक्स कम हो गया। हजारों अरब रुपए बाहर चल गए बैंक फ्रॉड से। और दलील दी जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं। आप एक सड़क पर चलने के लिए कितना बार टैक्स देते हैं? यदि मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो 28% के अलावा भी आपको 13% सेस देना पड़ेगा गाड़ी खरीदते समय। रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, इंश्योरेंस करवाइएगा, 18% टैक्स देना पड़ेगा।
रोड में आइएगा, टोल टैक्स में भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, फास्ट टैग में भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीने के लिए सांसों पर टैक्स लगाया जा रहा है, जीएसटी का यही अर्थ है। बच्चे अब अपने सुनहरे भविष्य को रंग नहीं कर सकते हैं, क्रेयॉन्स, ड्राइंग पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, स्याही सब पर 18% टैक्स। क्या इसीलिए जीएसटी का इंट्रोड्यूस किया गया था? खेती पर टैक्स, जो पंपिंग सेट है उस पर टैक्स, मैन्यूर पर टैक्स, सीड्स पर टैक्स, मध्यम वर्ग को किस प्रकार टारगेट किया जा रहा है? आप यदि 25 किलो का चावल या 10 किलो का आटा लेते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यदि 50 किलो लेते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब बड़े लोगों के लिए टैक्स का एग्जम्पशन और छोटे लोगों के लिए टैक्स का माल। 1 लीटर भी तेल लेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यदि 15 लीटर तेल लेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये नया और नाम क्या दिया गया? वन नेशन वन टैक्स। स्लैब कितने बनाए गए? 5। तो कौन सा वन नेशन और वन टैक्स हुआ? क्या सरकार का गठन इसीलिए हुआ था? क्या हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, जो वेलफेयर स्टेट की कामना की गई, अस्पताल में आप जाएंगे जो सर्विसेज हैं उस पे 5% टैक्स, मतलब आपका यदि भी एक बैंडेज भी लगता है वो सर्विस में आ जाएगा, एक इंजेक्शन भी यदि लगता है वो भी सर्विस में आ जाएगा। और फायदा किनको किनको होता है? कल कहीं मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक उद्योगपति मित्र दुनिया के 4 बड़े लोगों में एक हो गए, गौतम अडानी जी। रोज का रोज राष्ट्रीय स्तर पे बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, लोग बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए, लेकिन देश को जाति मजहब के नाम पर बांटकर इस तरह की लूट की जा रही है। हम लोग इसको बर्दाश्त सब नहीं कर सकते। राज्यों को इस प्रकार से बांध दिया गया क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो 33 सदस्य है उसमें तो बहुमत भाजपा के साथ है,
जो कुछ ही राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, हम हैं, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, ऐसे बहुत कम राज्य हैं जो अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाते हैं तो उसको सुनी नहीं जाती। और सीधा सीधी एक के बाद एक टैक्स लाद दिया जाता है। केंद्र सरकार को थोड़ी सी भी यदि संवेदना होगी, थोड़ी सी भी अगर मर्म होगा, तो हमको लगता है कि इस देश में लोगों को न्यूनतम स्तर पर जीने के लिए एक मानक बनाना चाहिए, ताकि लोग जी सकें, घुट घुट कर मर ना सकें। अन्यथा कानून बनाकर संसद से आ जाना चाहिए कि जब जिसको जरूरत पड़े उसको इच्छा मृत्यु वरण की आजादी मिले। इतना ही कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आपका चिंता तो लाजमी है। पार्टी अपने स्तर से कहेगी राज्य सरकार को कि जो केंद्र का ये टैक्स आ रहा है जीएसटी, उससे कैसे कुछ रिबे यहाँ के लोगों को देश में। निश्चित तौर पे पार्टी इस पे संवेदनशील है, और इस मुद्दे पर जब हमने आप लोगों से बात किया तो कुछ सोच के साथ ही बात किया कि हम निष्ठुर नहीं हो सकते। हमारी संवेदनाएं इस राज्य की जनता के साथ है और उस धर्म का हम लोग पालन करेंगे। दादा देखिएगा सामने।